हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है मेरा ग्रॉसरी को मैं कैसे स्टोर करती हूँ, तो इस पे मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। और कैमरे को मैंने कुछ ऐसे सेट कर दिया कि उसमें मैं दिखी नहीं रही हूँ आधी। ये मैंने बाद में देखा जब पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो उसके बाद मैंने देखा कि कैमरे की सेटिंग में मेरी मुंडी ही गायब है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए आज। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी का स्टोर, जो मैं लाती हूँ तो मैं उसको कैसे करके स्टोर करती हूँ, तो मैं आज वो उसका व्लॉग बनाया हुआ है। उसके बाद लंच का और सफाई। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटे का बैग खाली कर लिया और जितना चाहिए था मुझे मैंने उतना ले लिया, और आधा बैग बांध करके मैं रख देती हूँ उसके बाद। और उसके बाद मैंने चीनी का बैग खाली किया, और ये है लगभग 5 किलो के करीब चीनी। तो ये मैं सोची कि मैं इसको एक ही महीने में हम खा जाएंगे इतनी सारी चीनी, नहीं, ये 2-3 महीने चलती है हमारी, 3 महीने तो चलती ही है। और सर्दियों में तो गुड़ वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो ये चीनी और ज़्यादा चलती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो जो सामान लाए हुए थे सब निकाल दिया है, और पूरा मैं सामान को स्टोर करती हूँ गैलरी के यहाँ पर। यहाँ पर निकालने में मेरे को सही रहता है, सूखा सूखा सा रहता है यहाँ पर, साफ साफ। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने निकाला है, यहाँ पे मसाले खाली किए, और जो जो छोटे मोटे सारे सामान होते हैं वो सारे निकाले, और कुछ मैंने पहले ही रख दिया था। ये सामान मैं मंगाती हूँ जियो मार्ट से, और वो उनकी अच्छी सर्विस रहती है, घर पे ही ले आते हैं जैसे ऑर्डर करो। तो ये मेरे बड़ा सा चावल का कंटेनर है, तो अभी आज मैंने इस बार मैंने चावल कम मंगाए थे, तो मैं सारा सामान इस बार इसी में रख रही हूँ। 5 ही किलो मंगाए थे हमने चावल, नहीं तो हम एक ही बार में मंगा देते हैं फुल बैग, तो काफ़ी चल लेता है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसी बैग में रख दिया, और जो जो सामान था उसको, यहाँ पूजा वाला रूम है तो वहाँ पे मैंने इसको रख लिया है। यहाँ पे से किचन में नज़दीक फटाफट लेने के लिए होता है, तो फिर जो बाथरूम वगैरह का सामान है तो उसको मैं बाथरूम की साइड रख दूँगी। और जो तेल का पैकेट है वो भी मैं ज़्यादातर मैं बोतल पे मंगाती हूँ, तो उसमें से तेल कम यूज होता है, उसी में से निकाल के रख लो। लेकिन इस बार इन्होंने मेरे को पैकेट वाला तेल दे दिया, तो इसको मैं डब्बे में रख लेती हूँ। और इसमें रखने से ना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा तेल यूज होता है खाने में, और बोतल से निकालो तो बहुत सा कम तेल यूज होता है। बाकी जो पन्नी वन्नी जितने भी वो हैं मैं सारे उसी पेटी में रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको दूँगी कूड़े में। और अब शुरू करते हैं। ये मैं अंडे की ट्रे लाई हूँ, और अंडे को भी मैं इस तरह से बास्केट में निकाल करके फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये अंडे की ट्रे रखने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इस छोटी सी टोकरी में निकाल करके सारे अंडे रख लो, तो बहुत ही बढ़िया स्टोर भी हो जाता है, और अच्छे से फूटते उठते भी नहीं है। और इसके बाद में दोस्तों, सुबह से शाम तक के काम अगर रिकॉर्ड करने बैठो ना तो फ़ोन का स्पेस ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम ख़त्म नहीं होगा। मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्डिंग की हुई है, और थोड़ा ही सा काम था लेकिन इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। और ये देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मारने के लिए भी काफ़ी रूम है हमारे, 4 रूम हैं, फिर बरामदा है, फिर सीढ़ियां हैं, तो पूरा दिन इसी में लग जाता है। और इसके बाद पोछा का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद शुरू होता है नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। बर्तन वैसे मैं ज़्यादातर लंच के टाइम पे ही धोती हूँ, किचन के बर्तन जब मैं लंच बनाती हूँ तो मैं उसी समय धोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर दुकान भी है, और फिर गमले वगैरह उनको भी देखना पड़ता है। तो अब मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ, बाकी का काम निपटा करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगाने को रख दिए हैं, दाल मैंने सुबह ही उबाल के रख ली थी, और चावल मैंने यहाँ पर भिगाने को रख दिए हैं। जितने मैं
दाल फ्राई होगी, उतने में मेरे चावल अच्छे से भीग जाएंगे और अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में। अब मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई और लोहे की तवा ये यूज करती हूँ, एल्यूमिनियम उसमें बनाती हूँ कढ़ाई। लेकिन नॉन स्टिक में मैंने बिल्कुल बंद कर लिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी केमिकल वगैरह निकलते हैं, तो मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया है वो। चाहे जैसा भी बने, मैं तो इसी में बनाऊंगी अब तो, लोहे की कढ़ाई में। और इसमें चिपकता भी नहीं है, नॉन स्टिक का काम भी करते हैं ये। बस फैशन के लिए ज़्यादातर हम नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं, लेकिन जो स्वाद लोहे की कढ़ाई में आता है वो उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला और उसमें डाला मैंने जीरा, और उसके बाद थोड़ा सा हींग डाला। और बना रही मैं तड़का लगा करके अरहर की दाल, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया हुई थी। तो इसमें मैंने टमाटर और मसाले उबालते समय डाल दिए थे, जब अरहर की दाल ज़्यादातर मैं ऐसे बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब मैं इस पर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी छोटी वाली, और उसमें मैंने डाला है यहाँ पर तेल। और तेल डालने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ हरी सब्ज़ी। तो लंच में मेरा आज बनेगा हरी सब्ज़ी, अरहर की दाल और चावल। पहले मैं चावल को भिगा करके कुकर में रख लूँगी, और धो करके अच्छे से कुकर में रखूँगी, और मैं इसमें डालती हूँ गर्म पानी उसके बाद, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। फिर इससे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई में हरी सब्ज़ी को फ्राई कर लेती हूँ। हरी सब्ज़ी को मैं काफ़ी अच्छे से 3-4 बार धो लिया है, और फिर काटने के बाद भी मैं धो देती हूँ। और यहाँ पे मैं हरी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, और हरी सब्ज़ी अरहर की दाल और भात बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और हरी सब्ज़ी और कढ़ी बनाओ, उसमें भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो जब तक हरी सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिया, हरी सब्ज़ी में मैंने नमक डाल दिया, तो हरी सब्ज़ी थोड़ा नीचे बैठ जाएगी, तो तब तक मैं चावल चढ़ा लूँगी, और फिर चावल बन जाएंगे। उसके बाद चावल में भाप आता रहेगा, तो तब तक वो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी अरहर की दाल भी कुक होकर तैयार हो गई है, एकदम अच्छे से पक गई है। और अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दूँगी जो मेरे गमले में हुआ है। और अगर जितनी जल्दबाजी में अगर खाना बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनता है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तब खाना उतना अच्छा नहीं बनता है। तो ये दाल देखिए यहाँ पर, और घर का हरा धनिया बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पे। तो अब मैं इधर चावल रख लूँगी, सब्जी मेरी थोड़ा नीचे बैठ गई है, इसलिए मैं यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कल शाम को ये सिलबट्टा खरीदा है। सिलबट्टा मैंने कहाँ से खरीदा, इसकी वीडियो में इसकी लास्ट में मैं क्लिप डाल दूंगी, आप देख लीजिए। और यहाँ पे इसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, तो मैं इसमें इसको धो देती हूँ पहले अच्छे से। और सिलबट्टे वाले ने कहा कि इसमें पहले तुम कच्चा आलू, मतलब कच्चे आलू को कूटना, तो उससे जो मिट्टी पत्थर वगैरह है सब निकल जाएंगे। तो पहले मैं सिलबट्टे को अच्छे से धो लेती हूँ। और ये राजस्थान का सिलबट्टा है, और मैंने ये कहाँ से लिया आप उसकी क्लिप लास्ट में देख लीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी जो सुबह के थे। ज़्यादातर बर्तन मैं इसी समय धोती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। मैं यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से धो लूँगी। और जितनी जल्दी, अभी रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर करते समय मैं देख रही हूँ ना, जितनी जल्दी मेरे हाथ इस समय चल रहे हैं, अगर उस समय चलते तो कितना बढ़िया काम कितनी जल्दी निपट जाता है। तो दोस्तों, बर्तन धोते धोते मेरा खाना भी बनके एकदम रेडी हो गया है, और अब चावल को मैं फिर से निकाल करके और सब्जी को पका लूँगी। और लंच हो गया, और इसके बाद देखिए हम धूप सेकने आ गए हैं, और देखिए धूप कितनी बढ़िया लगी हुई है, शाम का टाइम है। तो कितना का पड़ता है तुमको सिलबट्टा? अरे दीदी बहुत महंगा पड़ता है, क्या बताऊं। पत्थर कहाँ से लाते हो? राजस्थान से। किस में लाते हो? राजस्थान से लखनऊ में लेके आते हैं, हमारे सिंहद्वार पे हरिद्वार पे है। अच्छा, बनाते कहाँ हो तो? बनाते दोस्तों, तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सिलबट्टे सिंहद्वार।
हरिद्वार के पास। अच्छा चलो ठीक है।